बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है। वहीं गुरुवार को विपक्ष विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग भी करेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एक सीनियर मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए विभाग से इस्तीफा दे देता है और सदन में इस विषय पर कोई जवाब नहीं आता। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो गई है। वहीं किसानों से लेकर आम आदमी तक परेशान है और राज्य सरकार जनता से किए वादे भी पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके विरोध में बीजेपी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाई है। हमने अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ में दिया है और हम अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इसमें चर्चा कराई जाए और ये अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि अब इस सरकार को जो प्रदेश में जो स्थिति निर्मित हुई है, एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, कुर्सी में रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है और अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने प्रस्तुत किया है।